हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसआर। आई एम रीना जैन। फॉर लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट डेली वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वॉर्टेक्स टेक्सचर इफेक्ट इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ 1280 रखूंगी, हाइट 720 रखेंगे, पिक्सल्स में ही रखना है, रिजोल्यूशन 300 रखेंगे, कलर मोड आरजीबी कलर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट्स व्हाइट सिलेक्टेड है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जीरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट हो। अगर आपका नहीं है तो आपको डी की प्रेस करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। इसके बाद फिल्टर मेन्यू में जाना है और फिर यहाँ से रेंडर के अंदर डिफरेंस क्लाउड्स का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। अब हमें फिर से डिफरेंस क्लाउड्स का फिल्टर अप्लाई करना है, तो इसके लिए फिल्टर मेन्यू में जाएंगे फिर से। तो अभी हमने रिसेंटली डिफरेंस क्लाउड्स का फिल्टर अप्लाई किया था, तो इसके लिए यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर ही ऊपर, तो इसे यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से फिल्टर मेन्यू में जाना है और फिर यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर जिगजैग का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अमाउंट 80 रखेंगे और रिड्स की वैल्यू 20 रखना है और स्टाइल में आपको आउट फ्रॉम सेंटर इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये सेम फिल्टर फिर से अप्लाई करना है, तो फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे ब्लर के अंदर रेडियल ब्लर का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अमाउंट 10 रखेंगे, ब्लर मेथड स्पिन सिलेक्ट करना है और क्वालिटी गुड रखेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वाली लेयर अभी लॉक है, तो इसे अनलॉक करने के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेयर 0 ही रहने दूंगी। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करेंगे और यहाँ पे विड्थ इसकी 150% कर लेंगे और हाइट भी 150% करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर जिगजैग का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट 80 रखेंगे, रिड्स की वैल्यू 20 रखेंगे और स्टाइल में आउट फ्रॉम सेंटर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और इस सेम फिल्टर फिर से अप्लाई करने के लिए फिल्टर मेन्यू में जाना है और इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसको कलर देना है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कलराइज को चेक कर लेंगे। सैचुरेशन की वैल्यू बढ़ा देंगे 100 करना है और ह्यू की वैल्यू 210 कर लेंगे और लाइटनेस की वैल्यू 3 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब फिर से एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से लेवल्स का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे और अब इसे यहाँ से लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे और इसे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ब्रेक करेंगे और इसे यहां से राइट की तरफ ब्रेक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वॉर्टेक्स टेक्सचर इफेक्ट बन चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।